हेलो फ्रेंड, मैं पुष्पन दागर स्वागत करता हूँ आपका धाकड़ एकेडमी में। इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ मच, मैनी और सम और एनी पे। मच, मैनी, सम और एनी पे, चूंकि ये चारों एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है वैसे, मच और मैनी का है, सम और एनी का है, तो मैं आपको दो दो के पेयर में पढ़ा रहा हूँ। वीडियो में पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मच और मैनी। मच और मैनी, मच और मैनी का हम कई बार यूज़ करते हैं, कई बार यूज, लेकिन हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे यूज़ करें। मच मतलब होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मच का यूज़ हम करते हैं अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? जिसको हम गिन नहीं सकते। क्वालिटी की बात हो रही हो तो वहाँ पर हम मच की करेंगे। और मैनी का मतलब ही बहुत ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर जिसको हम गिन सकते हैं वहाँ पर हम मैनी का यूज़ करें। मतलब क्वांटिटी की जहाँ बात हो रही होती है वहाँ हम मैनी का यूज़ करते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लेना चाहेंगे, तो हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, तो जैसे खुशी जो हमारी होती है उसको गिन नहीं सकते, तो वहाँ पर हम मच का यूज़ करें। जैसे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, जैसे आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। अब यहाँ पर आई लव यू सो मैनी तो नहीं आएगा, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को काउंटेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं अपने प्यार को बता रहा हूँ, तो अपने प्यार को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा को यहाँ पर हम मच का यूज़ करें, आई लव यू सो मच। जैसे इसमें तो बहुत पानी है, इसमें तो बहुत पानी है, देयर इज मच वाटर, देयर इज मच वाटर। मतलब बहुत ज़्यादा के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, मच का, देयर इज मच वाटर। जैसे हम मच के यूज़ में देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बात करती है, वो बहुत ज़्यादा बात करती है, तो शी टॉक्स मच, शी टॉक्स मच। तो इस तरह की चीज़ों में मच का यूज़ करेंगे। अब मैनी का यूज़ कैसे करेंगे, मैनी का यूज़ वहाँ करेंगे जो काउंटेबल चीज़ की बात हो रही हो। जैसे बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश। बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं, मैनी पीपल आर सैड, मैनी पीपल आर सैड। मतलब जिसको हम गिन सकते हैं वहाँ पर मैनी आएगा, जिसको नहीं गिन सकते वहाँ पर मच आएगा, इस चीज़ से हम दगा सकते। तो भाई इसी के साथ हमारा हो गया यूज़ ऑफ मच और मैनी। अब हम आते हैं सम और एनी। सम का और एनी दोनों का ही मतलब कुछ होता है, कुछ, थोड़ा सा, कुछ बोलिए, कुछ खरीद लो। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव और इंटरवेटिव सेंटेंस मैटर करते हैं, तो आपको एक रूल बता दूँ, लिख लीजिएगा, नोट कर लो। सम का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस में करते हैं, और एनी का यूज़ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में करते हैं। क्या होता है, सम का यूज़ हम करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, और एनी का यूज़ करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। बट यहाँ पर एक आईएमपी बात यह है कि सिर्फ सम का यूज़ हम क्वेश्चन में तब करेंगे जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हों। जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तब भी हम सम का यूज़ करते हैं। अब ऑब्वियसली बात, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो क्वेश्चन में ही आता है, लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट में ही आप सम का यूज़ करेंगे, बाकी जितने भी इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हैं, मतलब जहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है या पर नहीं हो रही हो, वहाँ पर सब आप एनी का यूज़ करेंगे। जैसे हम पहले सम का यूज़ कर लेते हैं, मैंने कुछ फल खरीदे, तो आई परचेज्ड सम फ्रूट्स, आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास कुछ किताबें, तो आई हैव सम बुक्स, ये पॉजिटिव हो गया। अब मुझे नेगेटिव बनाना हो, इसी को ही नेगेटिव बना लेता हूँ, मेरे पास कोई किताबें नहीं है, कोई या मेरे पास कुछ किताब, देखो जनरली एनी कोई या कुछ ही होगा, मेरे पास कोई किताबें नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी बुक, आई डोंट हैव एनी बुक। मैंने कोई फल नहीं खरीदे या मैंने कुछ फल नहीं खरीदे, तो आई डिडंट परचेज एनी फ्रूट, आई डिडंट परचेज एनी फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने इसको नेगेटिव बना लिया। क्या आपके पास कुछ किताबें हैं, डू यू हैव एनी बुक, डू यू हैव एनी बुक। समझ में आया? तो ये जब हम नेगेटिव और इंटरवेटिव की बात करेंगे तो एनी, पॉजिटिव की बात करेंगे तो सम। अब मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि आप जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम सम का यूज़ करते हैं। जैसे विल यू गिव मी सम मिल्क, क्या आप मुझे थोड़ा सा दूध दे सकते हैं, विल यू गिव मी सम मिल्क, या विल यू गिव मी सम बुक्स, विल यू गिव मी सम टिप्स, क्या आप मुझे कुछ टिप्स दे सकते हैं, तो विल यू गिव मी सम टिप्स। तो जब भी हम किसी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी हम सम का ही यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ नहीं करते। एनी का यूज़ मतलब नेगेटिव वे में या क्वेश्चन को जहाँ पर नहीं की बात हो रही जनरली, वहाँ पर हम एनी का यूज़ करते हैं। तो होप यू गाइस, आपको मच, मैनी और सम एनी का यूज़ समझ में आ गया होगा। तो आप फीडबैक में ज़रूर लिखें आपको ये कैसा लगा, और आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है, आप इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।